दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। उस मुसीबत से बस आप ही मुझे उबार सकते हैं और मामला भी सुन लीजिए। रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकला था, वहाँ टकरा गए एक प्रचंड मोदी भक्त महापुरुष महाशय। मैंने दूर से दुआ सलाम किया लेकिन वो माने नहीं, नज़दीक आ गए। आने के साथ साथ वो कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी पर बयान देने लगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो हैं वो राष्ट्र के बारे में बोलते हैं, कैम्ब्रिज में जाकर राष्ट्र की स्पीच देते हैं, चीन की बारे में बोलते हैं, कश्मीर का जिक्र करते हैं। राहुल गांधी को तो न जाने क्या, बेचारे की आवाज़ पथराने लगी थी, सांस अलग तेज, चेहरा ऐसा लाल कि अगर गलती से उनके गाल को मैं छू लेता तो खून भी टपक पड़ता। मैंने जल्दी से पानी की बोतल निकाली जनाब के लिए और सोचा कि शीतल जल से ये जनाब शांत हो जाएंगे, सांसों की गति सामान्य हो जाएगी। लेकिन भाई वो कहाँ शांत होने जाएं, दम भर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोसे और आखिर में पूरे मामले को निपटारा का जिम्मा मुझ नाचीज पर सौंप दिया और कहा भूपी जी आप ही बताइए श्री राहुल गांधी ने मोदी जी पर जो आरोप लगाया है उस पर मोदी जी को क्या करना चाहिए। मैंने उन जनाब को कहा मोदी जी को राहुल गांधी को ठोककर जवाब देना चाहिए ठीक उन्हीं के स्टाइल में। और जनाब वो गदगद हो गए, बाँछें खिल गई उनकी। वैसे मुझे उनकी बाँछें नज़र आई नहीं, सच कहूँ तो आज तक मुझे पता नहीं चला कि इंसान के शरीर में बाँछें होती कहाँ हैं। लोग बाग अत्यधिक खुशी के मौके पर कह देते हैं कि बाँछें खिल गई, लेकिन हकीकत में कोई नहीं बता पाता है कि ये बाँछें होती कहाँ हैं। वैसे मुझे तो उनकी पूँछ भी नज़र नहीं आई, बस उनके हाव भाव से मुझे यही लगा कि उनकी पूँछ भी खुशी में खूब आगे पीछे कर रही है। जनाब खुशी के उसी आलम में अगला सवाल दाग दिए मुझसे। उन्होंने कहा बात तो आपकी बिल्कुल सही है भूपेंद्र नारायण सिंह, लेकिन ये कैम्ब्रिज वाले मोदी जी को तो बुलाए हैं ही नहीं, वो बुलाते तो मोदी जी वहाँ राहुल गांधी की तरह स्पीच देते। मैंने उन्हें समझाया अरे भाई कैम्ब्रिज वाले उन लोगों को स्पीच के लिए बुलाते हैं जो उनके कॉलेज में पढ़े लिखे होते हैं, मोदी जी वहाँ नहीं पढ़े तो नहीं बुलाए। मोदी जी को तो उस कॉलेज में जाकर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए जहां से वो पढ़े लिखे हैं। अब उस जनाब को मेरी बात सही लगी, लगे याद करने कि माननीय मोदी जी किस कॉलेज को अपने चरण धूलि से पवित्र किए हैं, किस कॉलेज के गुरुओं को उन्होंने अपने ज्ञान से आलोकित किया है। बेचारे बहुत देर तक अपना वो सिर सहलाते रहे, याद ही नहीं कर पाए तो गूगल गुरु का सहारा लिए। वहाँ मोदी जी की डिग्री का जिक्र तो मिल गया लेकिन कॉलेज को लेकर ग्रेट कन्फ्यूजन। कोई कॉलेज ये ताल ठोक कर दावा नहीं करता है कि माननीय मोदी जी स्टूडेंट लाइफ में उसके यशस्वी छात्र थे। कोई प्रोफेसर ये कहने के लिए नहीं सामने है कि हाँ मैंने नरेंद्र मोदी जी को एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया था। अरे हाँ आपको ये बताना भूल ही गया कि मोदी जी ने जिस एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली है उस पर अलग लेवल का बवाल है। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी किसी विश्वविद्यालय में इस नाम के कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। तो जनाब आखिर में पूरा मामला बीच अधर में लटक गया। हम दोनों के बीच ये राय तो पक्की हो गई कि मोदी जी को भी अपने कॉलेज में जाकर उसी तरह स्पीच देनी चाहिए जिस तरह राहुल गांधी जी ने अपने कैम्ब्रिज कॉलेज में दिया है। लेकिन मोदी जी के कॉलेज को लेकर ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो दोस्तों फिलहाल तो INC TV मोदी जी को पढ़ाने वाले प्रोफेसरों और शैक्षणिक संस्थान से अपील करता है कि वो सामने आकर कहे कि हाँ मैंने मोदी जी को पढ़ाया है। आप सबसे भी मेरा आग्रह है कि आप लोग इस मामले में मेरी मदद कीजिए। मोदी जी के कॉलेज, उनके प्रोफेसर, उनके सब्जेक्ट को लेकर प्रामाणिक जानकारी जुटाएं ताकि मोदी जी राहुल गांधी जी के आरोपों का ठोक कर जवाब दे सकें। नमस्कार।